प्रिया गोल्ड का कूलर है जो कि सूखा कूलर है, देख सकते हो। इसमें यहाँ पर दो स्विच वगैरह है और ये पूरी आप सेट देख सकते हो। इसमें जो प्रॉब्लम है गाइस, जब इसमें लाइन देते हैं तो ये बिल्कुल नहीं चलता है, थोड़ा सा आवाज़ वगैरह अंदर से आती है, लेकिन ये चल नहीं रहा है। जो कि यहाँ सीरीज लाइन है, अभी यहाँ पर आपको चलाकर भी दिखा देते हैं, यहाँ सीरीज में लगा दिए हैं। एंड मोटर का जो स्विच है ये है, और ये है मूविंग का स्विच। ये जो है इस जगह मूविंग इधर उधर होता है, जो कि हवा जो होता है दोनों साइड देता है, मतलब इधर से इधर हवा देने का काम करता है ये मूविंग मोटर। और ये मेन मोटर है जो कि हवा देता है। लेकिन यहाँ गाइस देख सकते हो, जैसे कि स्विच ऑन किए यहाँ बल्ब ग्लो किया सीरीज में, लेकिन मोटर थोड़ा सा भी नहीं घुरा है। फिर एक बार कर लेते हैं, दूसरा पॉइंट पे भी नहीं घुरा, और तीसरा पॉइंट, ये तीनों पॉइंट पे मोटर नहीं चला। मोटर इसका बिल्कुल जम वगैरह हो गया है, या तो मोटर जल गया है, फाइनली खोलने के बाद पता चलेगा। इससे पहले गाइस यहाँ मूविंग का देख लेते हैं। मूविंग का ऑन किए तो यहाँ देख सकते हो गाइस, ये अभी तो नहीं चल रहा है, लेकिन ये मूविंग इसका तो सही था। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो, थोड़ा सा जूम करके ये देख सकते हो, मूविंग यहाँ अभी हो रहा है, फिर अब इधर होगा, ऑटोमेटिक ये इधर उधर होते रहता है। तो इसका मूविंग बिल्कुल सही है, लेकिन इसका कॉइल में प्रॉब्लम है गाइस। इसको फाइनली ओपन करने के लिए इसमें 3-4 स्क्रू होता है, जो कि अभी दिखाते हैं। अगर आपका भी कूलर इस तरह से ख़राब वगैरह हुआ है तो इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहो। तो गाइस इसको ओपन करने के लिए पहले इस तरह से करना होगा, और इसके अंदर स्क्रू है, यहाँ देख सकते हो, यहाँ है स्क्रू और यहाँ है स्क्रू इस जगह। सो गाइस यहाँ सबसे पहले सारा स्क्रू को ओपन कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर पीछे से भी दो स्क्रू होता है, यहाँ पर है एक और एक यहाँ है, जो कि देख सकते हो। इन दोनों को खोलने के बाद, उधर का भी 4 स्क्रू खोलने के बाद फाइनली ये अभी ओपन हो जाएगा, क्योंकि आपके सामने करेंगे। इसके अंदर क्या क्या सामान रहता है वो अभी देखेंगे। फाइनली गाइस ये सारा स्क्रू खोलने के बाद ये देख सकते हो, काफ़ी आसानी से ये इस तरह से खुल जाता है। फाइनली ये अभी खुल गया है, और इसमें अभी जो प्रॉब्लम है क्या भी जानेंगे। यहाँ पर देख सकते हो गाइस इसके अंदर क्या क्या सामान होता है। सबसे पहले तो यहाँ एक मोटर होता है, जो कि कूलर मोटर ही सेम है, मतलब जो सस्ता में जो कूलर मोटर लगाते हैं 400-500 में जो मिलता है, वही मोटर यहाँ पर फिट किया गया है। एंड गाइस ये फैन है, जो कि ऐसे बिल्कुल फ्री चल रहा है, ये देख सकते हो, हवा यही देता है, पत्ती का काम यही इसमें करता है। और ये जो मूविंग का काम करता है, ये देख सकते हो, ये मोटर है जो कि 220 वोल्ट का ये मोटर है। यहाँ पर लिखा भी है AC 220 वोल्ट या 240 वोल्ट के अंदर ये काम करता है, 5 से 6 RPM है। और गाइस इसका सारा कनेक्शन जो आया है यहाँ पर आया है, ये देख सकते हो, ये जो इसमें 4-5 वायर है ये मेन मोटर का है, जो कि फैन वाला मोटर का, और ये जो है ये मूविंग मोटर का ये स्विच है। अगर स्विच ख़राब होता है तो आप इस जगह से स्विच को चेंज कर सकते हो। एंड गाइस अगर मूविंग काम नहीं करता है तो यहाँ से मोटर को चेंज कर सकते हो, जो कि मार्केट में 150 से लेकर 180 के बीच में ये कहीं भी आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन मिल जाता है। लेकिन गाइस यहाँ पर अगर ये मूविंग धीरे धीरे करता अगर तो क्या करते हैं, यहाँ पर देख सकते हो एक कैपेसिटर लगा हुआ है मोटर के लिए, जो कि 4 mFd का इसमें लगा हुआ रहता है। यहाँ पर लिखा हुआ भी होगा, ये देख सकते हो 4 mFd का ये कंडेंसर है। अगर मूविंग धीरे धीरे करने लगता है, इसको आप चेंज अगर कर देते हो तो बिल्कुल स्पीड चलने लगेगा, जो कि 40 से 50-60 के बीच में कहीं भी ये आपको मिल जाता है। लेकिन गाइस यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम गुस्स सापट का हमें लग रहा है, तो उसके लिए गाइस फाइनली इसको पहले खोलना पड़ेगा और मोटर को बाहर निकालना पड़ेगा, तभी यहाँ पर बूस एंड सापट को चेंज कर देंगे। तो गाइस पहले इसको खोलने के लिए, ये जो ब्लेड है इसको खोलने के लिए यहाँ देख सकते हो यहाँ पर, तो गाइस यहाँ एक नट लगा हुआ होता है, ये देख सकते हो, ये नट खोलेंगे। एंड यहाँ पर एक नट है और यहाँ पर एक नट है, इन तीनों नट को खोलने के बाद फाइनली ये अभी ओपन होगा। तो पहले इसको नट खोल लेते हैं। गाइस यहाँ तीनों स्क्रू खोलने के बाद यहाँ से इस तरह से उठाते हैं, ये देख सकते हो, ये अब इधर खींच लेंगे, ये काफ़ी आसानी से निकल आएगा। ये देख सकते हो गाइस ये निकल गया है इस तरह से। सो गाइस अब यहाँ मोटर निकालने के लिए, ये देख सकते हो जिसमें मोटर फिट हुआ है, 4 नट जो लगा हुआ है उसी में यहाँ पर पीछे भी बॉडी में भी टाइट किया हुआ रहता है। तो गाइस मोटर खोलने के लिए अब पीछे का यहाँ देख सकते हो 2 स्क्रू दिया है, इन दोनों स्क्रू को जब खोलेंगे ये कवर ओपन होगा, फिर अंदर से नट लगा हुआ होगा उसको भी खोलना होगा। सो गाइस फाइनल इसका स्क्रू खोलने के बाद अब ये देख सकते हो काफ़ी आसानी से ये इस तरह से मोटर पूरी की पूरी निकल आती है, ये देख सकते हो। अब यहाँ पर ये स्क्रू है, 4 नट है, इन 4 नट को खोलने के बाद फाइनली ये मोटर को ओपन करेंगे। अब इसका कोई काम नहीं है, पहले मोटर सही चलेगा तभी आगे कुछ करेंगे। तो यहाँ से हम वायर को भी कट कर लेते हैं। इसमें टोटल कितना 4 वायर है गाइस, वो भी आपको बाद में बताने वाले हैं, इसमें किसमें किसमें लाइन पड़ेगा और इसमें कौन सा अर्थिंग है ये भी जानेंगे कनेक्शन के बारे में। उससे पहले गाइस ये सारा नट को खोल कर इस बॉडी को अलग कर लेते हैं। सो गाइस सारा नट खोलने के बाद अब ये देख सकते हो ये इस तरह से मोटर निकल गया है, अब ये सेम बन गया कूलर मोटर।
सो गाइज यहाँ पर टोटल चार वायर है, अब ये देख सकते हो, उजला है, ब्लू और काला एक लाल है। यहाँ उजला जो है ये अर्थिंग है और ये तीनों जो है पॉइंट है, जो कि 1, 2, 3 पर स्थित होता है स्पीड का, ये तीनों पॉइंट है और ये उजला अर्थिंग है। तो गाइज इसको पहले अब ओपन करने के लिए इन चारों नट को खोल कर इस मोटर को ओपन करते हैं, फिर बूज और सपोर्ट में देखेंगे, या तो वाशर वगैरह लगेगा या सर्विसिंग भी करने से होता करेंगे। फाइनल गाइज अब ये देख सकते हो, चारों नट को खोलने के बाद ये फाइनली ओपन भी हो चुका है। अब यहाँ देख सकते हो, यहाँ एक बूस है, ये बूस ही है और इसको जब खोलते हैं तो एक बूस यहाँ पर है। ऐसे तो बूस बिल्कुल सही लग रहा है, यहाँ जैसा कि लग रहा है यहाँ वाशर का प्रॉब्लम है, तो गाइज फाइनली देख लेते हैं। सो गाइज अगर इसमें सापट का प्रॉब्लम आती है तो ये सापट है, इस जगह कटता है और इस जगह कट जाता है, जो कि पता चल जाता है कटने के बाद जब देखोगे तो। गाइज अगर ये ख़राब होता है तो इसको फाइनली इधर से जब ठोकेंगे ये बाहर निकल आएगा, फिर दूसरा लगा सकते हैं। लेकिन गाइज जब बूस का प्रॉब्लम आती है तो ये देख सकते हो 2, 4, 6 पंचिंग है, इन सरा को काट कर इस बूस को निकाला जाता है, फिर बूस को डालकर फिर इस पंचिंग को लगाया जाता है, इस तरह से बूस को चेंज कर सकते हैं। लेकिन गाइज जब कॉइल जाता है तो कॉइल भी बना जाता है, जैसे कूलर फैन का कॉइल बनता है, ये भी सेम वैसे इसमें भी वाइंडिंग किया गया है। अगर गाइज इस यह क्वाइल आपका जला है तो वाइंडिंग करना नहीं जानते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर सीख सकते हो कैसे इस कूलर मोटर का क्वाइल को वाइंडिंग कर सकते हैं। लेकिन गाइज इसमें जो प्रॉब्लम है वाशर का प्रॉब्लम है, यहां पर आगे 2 वाशर लगेगा, हेड बहुत ज़्यादा था जब ऊपर नीचे हो रहा था, बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो गाइज इस तरह का वाशर इसमें लगेगा। पहले ये एक प्लास्टिक का वाशर है जो कि इसको पहले हम खोलेंगे, ये खुल गया है प्लास्टिक का वाशर, फिर यहाँ पहले इन 2 वाशर डालेंगे इस तरह से देख सकते हो, उसके बाद फिर यहाँ पर प्लास्टिक वाशर लगाएंगे, फिर ये बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा। इससे पहले गाइज लेकिन यहाँ पर इसमें सर्विसिंग करना है, तो यहाँ पर ग्रीस और मोबिल बूस में देंगे और इसमें भी देंगे, इस तरह से इसके अंदर मोबिल डालेंगे, ये देख सकते हो गाइज। मोबिल डालने के बाद काफ़ी ये फिर चलने लगेगा और ग्रीस भी डालेंगे, जो कि ज़्यादा दिन तक ये चलते रहेगा, ग्रीस जल्दी यहाँ पर सूखने वाला नहीं है, इसलिए ग्रीस देना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, तो इसलिए इस तरह से इस बूस में भी डालेंगे। सो गाइज ग्रीस डालने के बाद फाइनली इसमें फिट लगा लेंगे, जो कि फिट ये कर लेंगे अभी, थोड़ा सा ये वाशर आगे पीछे हो गया है जो कि नहीं जा रहा था, तो ये चले गया है और ये बिल्कुल अभी फ्री है। अब ऊपर का भी कवर लगा कर फिर सारा नट को टाइट कर लेंगे, ये लग गया है। फाइनल होल्स का सेंटर मिलाते हुए फिर सरा यहाँ नट को टाइट करेंगे, इस तरह से देख सकते हो, जैसे खोले हुए थे सेम वैसे फिर सरा नट को टाइट करेंगे। नट को टाइट करने के बाद फाइनली पहले मोटर को चेक करेंगे चल रहा है या नहीं चल रहा है, फिर आगे इस कूलर में फिट करेंगे। सरा नट को पहले हम टाइट कर लेते हैं इस तरह से, पहले वाशर था यहाँ पर वाशर भी देंगे और ये नट को टाइट करेंगे। चारों नट को टाइट करने के बाद मोटर फ्री होना चाहिए, फिर आगे दिखाते हैं। सो गाइज फाइनल यहाँ पर मोटर फिट कर दिए हैं और अंदर से जो ये तार निकला हुआ था ब्लू में ब्लू और लाल में लाल, कलम कला उजला में उजला, सरा कनेक्ट सेम कलर देख कर दिए हैं। एंड गाइज यहाँ पर कैपेसिटर का भी खुला हुआ है और कैपेसिटर भी जुड़ा हुआ है, इसमें कनेक्ट हो गया है। फाइनली पहले हम चेक करेंगे और ये लीड को अभी बोर्ड में डालेंगे और सीरीज में डालेंगे, ये बल्ब ग्लो करेगा जब सीरीज में रहेगा, तो ये ऊपर है स्विच तो सीरीज में है। तो फाइनली गाइज अब स्विच को यहाँ से हम ओपन करते हैं और मोटर देखते हैं चलता है या नहीं चलता है। तो गाइज अभी ओपन थोड़ा सा करने में नहीं बन रहा है, ये देख सकते हो गाइज ये ओपन अभी कर दिए हैं और ये मोटर मूविंग भी कर रहा है, ये देख सकते हो, ये बिल्कुल सॉलिड मूविंग कर रहा है, जो कि अभी सीरीज में ही है, स्पीड देख सकते हो काफ़ी है सीरीज में ही। एंड गाइज बल्ब देख सकते हो यहाँ पर ग्लो कर रहा है क्योंकि सीरीज में है अभी। तो फाइनली यहाँ पर हमें पता चल गया मोटर मेरा बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। तो गाइज अब फाइनली जैसे जैसे खोले हुए थे वैसे फिट सिर्फ कर देना है, जो कि गाइज आपको फिट करके भी अभी दिखाएंगे। एंड गाइज लास्ट में देखेंगे जब इस फैन को लगाएंगे तो कैसा स्पीड रहने वाला है, यह अभी दिखाएंगे।
सो गाइज यहाँ पर बिल्कुल फिटिंग हो चुका है, जो कि आप देख सकते हो ये सरा नट वगैरह जितना भी होता था नट वगैरह सरा टाइट हो गया है। फाइनली अब आपको चेक करके दिखाएंगे ये हवा वगैरह कैसा दे रहा है। तो गाइज पहले सीरीज में ही लगाते हैं और ये बल्ब अभी नहीं जल रहा है। यहाँ जैसे देख सकते हो ये है मोटर का और ये है ये आगे पीछे करने वाला का है। तो गाइज यहाँ से मोटर पहले हम ऑन कर दिए हैं, इस तरह से ऑन हो गया है। और गाइज यहाँ पर अभी देख सकते हो बल्ब जल रहा है, लेकिन यहाँ पर मोटर वगैरह नहीं चल रहा है, सीरीज में उतना पावर नहीं मिल रहा है इसलिए नहीं चल रहा है। तो गाइज अब मेन दे देते हैं यहाँ से, जैसे यहाँ स्विच दबेंगे यहाँ मेन हो जाएगा और मेन हो गया और यहाँ मोटर चलने लगा। ये आप देख सकते हो गाइज हवा वगैरह अभी काफ़ी आ रहा है। फाइनल गाइज आवाज़ भी सुन सकते हो, काफ़ी ज़्यादा हवा कर रहा है। गाइज इस तरह का अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो एंड बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।